नमस्कार प्रिय दोस्तों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, आप चाहे रीट की तैयारी कर रहे हूँ, रीट पात्रता या रीट मेंस, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, सभी के लिए पेपर महत्वपूर्ण है साइकोलॉजी। तो देखिए आज का महत्वपूर्ण पेपर, हो सके तो पूरा करने का प्रयास कीजिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। पहला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था क्रोध संवेगों के प्रयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? शैक्षिक प्रतिस्पर्धा, ग्रेड प्रतिस्पर्धा, ड्रामा एवं नाटकों में अभिनय, प्रतिस्पर्धात्मक खेलकूद प्रतियोगिताएं। तो इनमें से देखिए क्या सही होगा। दूसरा प्रश्न है आपका, बालक के संवेगात्मक अनुभवों का विश्लेषण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? उसके मुख आकर्षण द्वारा, उसके अंतर निरीक्षण द्वारा, मनोहारिक परिवर्तनों द्वारा, उद्दीपकों की प्रतिक्रिया द्वारा। और तीसरा प्रश्न है, वह संवेग जो शिशु में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है, भय, सामान्य उत्तेजना, दुख या प्रसन्नता। प्रत्येक प्रश्न को आराम से पढ़ें, जहां पर आपको ऐसा लगे कि वीडियो को रोकना चाहिए तो वहां पर प्यूज कीजिएगा। गहराई से पढ़ेंगे तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे साथियों। चौथा प्रश्न है, वह अवस्था जिसमें एक किशोर बालक बालिका प्रौढ़ के समान लंबाई प्राप्त कर लेता है। और ये चार ऑप्शन है, लड़कों के लिए 15 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 16 वर्ष, लड़कों के लिए 12 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष, लड़कों के लिए 16 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 22 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 24 वर्ष। तो इनमें से देखिए क्या होगा। पांचवा प्रश्न है, बालकों में जो रुचियां संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं वे निम्न में से किसका परिणाम है? आयु का, लैंगिक विभेदकता का, आनुभविक पृष्ठभूमि का, प्रदत्त अवसरों का। बहुत ही शानदार पेपर है, प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण। छठा प्रश्न, प्रेम के विकास की प्रथम अवस्था का आधार है बालक का अपनी माता के प्रति प्यार, बालक को अपने भाई या बहन के प्रति प्यार, बालक का स्वयं के प्रति प्यार, बालक का अन्य बालकों के प्रति लगाव। सातवां प्रश्न साथियों, ये रहा आपके लिए। देखिए, एक छोटा बालक एकांत स्थान में डरने लगता है, इसका कारण यह है कि बालक में समुदाय की भावना जन्मजात पाई जाती है, बालक में जन्मजात भेद संवेग पाया जाता है, बालक में अनुबंधन पाया जाता है या बालक में सहायता की बुनियादी आवश्यकता उपस्थित रहती है। आठवां प्रश्न है साथियों, एक बालक में भय संवेग के उत्पन्न होने का स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? रोएदार प्राणी, अंधकार युक्त स्थान, तेजी से गिरती वस्तु, खेल कूद प्रतियोगिताएं। नौवां प्रश्न साथियों, निम्न में से किसके द्वारा प्राथमिक कक्षा में शारीरिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? और ये इसके लिए चार ऑप्शन रहेंगे, नियमित रूप से कक्षा शिक्षक के द्वारा, विशेष व्यायाम शिक्षक के द्वारा, विद्यालय के नर्स के द्वारा, कक्षा शिक्षक तथा व्यायाम शिक्षक के परस्पर सहयोग के द्वारा। दसवां प्रश्न है, संवेग से हमारा तात्पर्य निम्न में से किससे है? बालक की विशेष दशा में दिए गए उत्तर से, बालक की संवेगात्मक अनुक्रिया से, बालक की उद्दीप्त अवस्था से, जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त करने से, बालक के असंगठित व्यवहार से। ग्यारहवां प्रश्न आपके लिए रहेगा साथियों, बालक की वह अवस्था जिसमें उसका खेल कूद संबंधी रुचि के प्रति अधिकतम विकास होता है, प्राथमिक बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था या अंतिम किशोरावस्था। ग्यारहवां प्रश्न है। और बारहवां प्रश्न ये रहा साथियों, देखे थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, ये रहा बारहवां प्रश्न, भय संवेग तथा क्रोध में निकटतम संबंध है, इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? ये ऑप्शन आप पढ़िएगा आराम से। बारहवां प्रश्न, तेरहवां देखिए आप, करीब 11 वर्ष की उम्र में बालकों में निम्न में से किस क्षेत्र में लैंगिक परिवर्तन मुखर होने लगते हैं? शारीरिक शक्ति के क्षेत्र में,
उत्तम मांसपेशीय समन्वयन के क्षेत्र में, व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में, बौद्धिक विकास के क्षेत्र में। 14वां प्रश्न है, एक बालक के व्यवहार पर निम्न में से कौन सा व्यवहार न्यूनतम प्रभाव डालता है? ये चार ऑप्शन है इसके लिए। देखते हैं किसके सबसे ज्यादा सही होते हैं आज के पेपर में। शिशुओं के व्यवहार में जो संपूर्ण गति प्रकट होती है उसकी व्याख्या निम्न में से किस आधार पर की जा सकती है? इनको आप पढ़िएगा अच्छे से, तभी आप इस पेपर को कर पाएंगे साथियों। निम्न में से वह कथन जो शिशु के व्यवहार को प्रदर्शित करता है, विभेदनशीलता, सामान्यकरण, जन्मजात गुण या एकात्मकता। 17वां प्रश्न ये रहा साथियों, बालक के शारीरिक आकार में वृद्धि प्राय निम्नलिखित सभी कारणों से प्रभावित होती है, किंतु वर्तमान शोध अध्ययनों ने निम्नलिखित कारकों को अमान्य घोषित किया है। इनको पढ़िए आप, प्रत्येक को आराम से पढ़ेंगे। 18वां प्रश्न ये रहा साथियों, इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा आएंगे आपके। प्रारंभिक बाल्यावस्था के संबंध में वह कथन जो वातावरण संबंधी प्रभावों के विषय में सत्य है, तो इनमें से देखिए, जन्म होने तक वातावरण का प्रभाव बालक पर नहीं पड़ता है। वातावरण संबंधी कारक गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। बालक का प्राकृतिक व्यवहार उस समय तक रूपांतरित नहीं किया जा सकता है जब तक कि बालक में शिक्षण द्वारा सीखने का विवेक उत्पन्न नहीं हो पाता है। जो भी परिवर्तन बालक के अनुवंशिकता में किए जा सकते हैं वे बालक के वंश अनुक्रम प्रतिमानों से संबंधित होते हैं। 19वां प्रश्न साथियों, शिशु विकास के संदर्भ में व्यक्तिकता का तात्पर्य है। ये बाकी के ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, चारों को आप पढ़िएगा आराम से। शिशु विकास के संदर्भ में व्यक्तिकता का तात्पर्य। प्रश्न, बालकों में पूर्व बाल्यावस्था संबंधी जो व्यवहार प्रकट होता है वह है मूल प्रवर्त्यात्मक, स्थानीय प्रतिवर्ती, यादृच्छिककृत क्रियाएं, संपूर्ण शरीर से क्रियाएं। 21वां प्रश्न, क्या कारण है कि शिक्षण के समय शिक्षक बालक विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर ध्यान देना पसंद करता है? इनको आप पढ़िएगा, नहीं तो वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। 22 का प्रश्न है, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता तथा प्रवीणता का परिचय देता है, यह कथन किसका है? इनमें से देखिए आप, साइकोलॉजिस्ट हैं। 23 का प्रश्न है, निम्न में से क्या मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता है? पिछड़े बालकों की विशेषता आपको देखनी है इसमें से, जो पिछड़े हुए हैं मानसिक रूप से, ये चार ऑप्शन। 24वां प्रश्न, ट्रमन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता है उत्तम शारीरिक विकास, शैक्षिक विकास, बौद्धिक विकास या इनमें से कोई नहीं। और 25 का प्रश्न है, निम्न में से क्या प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है? गिरोह में शामिल होना, अध्यापन विधियां, स्कूल विषयों और व्यक्तियों के चयन की समस्या या उपरोक्त सभी। 26 का प्रश्न ये रहा साथियों, विशिष्ट बालक का संबंध निम्न में से किसके साथ है? चारों ऑप्शनों को देखें आराम से, और इनके जो आंसर हैं साथियों रात को 8 बजे कम्युनिटी टैब में डाल दिए जाएंगे आंसर की के माध्यम से। उससे पहले आप अपनी कॉपी में इनके आंसर लिख के रखें जिससे पता चल सके कि आपके कितने सही होते हैं। 27 का प्रश्न देखिए, एक शिक्षक के लिए पिछड़े बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी करने हेतु निम्न में से क्या आवश्यक है? पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना, व्यक्तिगत रूप से उसका ध्यान रखना, पाठांतर क्रियाओं की व्यवस्था या उपरोक्त सभी। 28 का प्रश्न है साथियों, निम्न में से क्या प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है? गतिवर्धन, संपन्नीकरण, विशिष्ट कक्षाएं या ये सभी। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु। अगला प्रश्न 29 का प्रश्न देखिए,
ये रहा साथियों 29 का प्रश्न आपका, दिख रहा होगा आप। निम्न में से कौन सी एक मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है? सीखने की मंद गति, अमूर्त चिंतन का अभाव, शारीरिक दोष या मौलिकता? और आज का अंतिम प्रश्न साथियों ये रहा, एक उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए? यह है अंतिम, और ये ऑप्शन दे रखे हैं, चारों आप पढ़ें फिर इसका जवाब दें क्या होगा। तो ये था साथियों साइकोलॉजी का एक शानदार पेपर, जो रीट हो चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। लगातार इन पेपरों का अभ्यास करेंगे साथियों तो उन विद्यार्थियों को निश्चित तौर पर फायदा होगा, अगर ध्यानपूर्वक इन पेपरों को किया जाता है आपके द्वारा। तो वीडियो पसंद आए साथियों लाइक अवश्य ही कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।